हाय फ्रेंड्स, अगर आपने एक्सरे या एमआरआई करवाया है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपके सर्वाइकल स्पाइन स्ट्रेट हो रही है यानी कि सीधी हो रही है, या उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है, या C4, C5, C6, C7 में डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दिक्कत है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें गर्दन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगती है, ये एरिया इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसमें जैसे ही पेशेंट मूव करता है तो उसको चक्कर आने लगता है, वॉमिटिंग जैसी, उल्टी जैसी फील होती है, सर में भारीपन सा लगता है, या इसमें जैसे ही पेशेंट अपना हाथ उठाता है, एक तो वो अपना हाथ पूरा ऊपर उठा नहीं पाता, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर उसको एक गिलास पकड़ा दिया जाए पानी से भरा हुआ तो उसका हाथ शेक करने लगता है, या हाथों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, चेस्ट में पेन होता है, जैसे ही पेशेंट रात में सोने के लिए लेटता है उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, क्योंकि उसमें कभी दर्द यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, कभी हाथों में होता है, झंझनाहट सी महसूस होती है, शून्यपन सा महसूस होता है, तो इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, अगर आप उसको रोजाना दवाई समझ के करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके सर्वाइकल स्पाइन की हेल्थ सही होगी, जो आपके मनकों में सूजन है, जो आपके मांसपेशियों में सूजन है, वो सूजन कम होगी, और ये जो मसल्स है इसमें बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है ये स्ट्रांग होगी, और इसमें हल्कापन भी आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। तो अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवेदिक क्लिनिक लखनऊ से। फ्रेंड्स, हमारे जो गर्दन की हड्डी होती है जो C1 से लेके C7 तक होती है, यानी कि इसमें 7 हड्डियां होती हैं, ये हमारी गर्दन को सहारा देती हैं और ये दाहिनी तरफ, बाईं तरफ और ऊपर नीचे मूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये एक स्तंभ की तरह काम करती हैं, शरीर को और आपके सर को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। लेकिन कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत आने के दो ही कारण आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक तो होती है डीजेनरेटिव चेंजेस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो होता क्या है कि जो डिस्क होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, यानी कि सूखने लगती है, इसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि रगड़ने और घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से आपके गर्दन में अकड़ाव, खिंचाव और बेचैनी आपको महसूस होगी, दर्द आपको महसूस होगा। लेकिन अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो नर्व आप पीले कलर की देख रहे हैं, ये नर्व को प्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से आपके जो दर्द है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी मेन वजह है वो आजकल है मोबाइल, जो यंगस्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं गर्दन झुका करके। होता क्या है कि जब भी कोई गर्दन झुका करके इस तरीके से ऐसे मोबाइल देखता है तो होता क्या है कि आपकी गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ग्रेविटी की वजह से, जितना आपका हेड का वजन जो होता है उससे 4 गुना मांसपेशियों के ऊपर असर पड़ता है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब मांसपेशियों के ऊपर असर पड़ेगा तो आपकी डिस्क के ऊपर भी असर पड़ेगा, जब डिस्क दबेगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से यंगस्टर में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत बहुत तेजी से देखी जा रही है। तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे, आप इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज जो होगी वो कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी और आपकी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। इसको करने से आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत भी होंगी और जो मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो गई हैं वो मांसपेशियां धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेंगी। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ इस तरीके से ऐसे मूव करेंगे, जहाँ तक भी आपकी गर्दन जा रही है, क्योंकि इसमें होता क्या है नेक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जैसे आपकी गर्दन यहाँ तक जा रही है तो यहीं तक आपको करना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो यहाँ तक ले जाना है, फिर आपको बाईं तरफ, फिर आपको करना यह है थोड़ा सा आपको प्रेशर दे देना है, जब आप प्रेशर देंगे तो गर्दन की इससे रेंज भी बढ़ेगी और ये मांसपेशी जो आपकी है वो पूरी तरह से आपको स्ट्रेच होगी। यहाँ पे आपको 3 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर इसी तरीके से आपको जो है दाहिनी तरफ इस तरीके से करना है, फिर आपको ऊपर इस तरीके से ऐसे करना है। दिन भर हो जाता है हम मोबाइल यूज़ करते हैं और हमारी गर्दन ऐसे ही रहती है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम तो हमारी गर्दन इस तरीके से ऐसे रहती है, तो इससे होता क्या है फॉरवर्ड हेड की समस्या आ जाती है और महिलाओं में होता क्या है नेक हम्प हो जाता है। तो आपको करना ये है अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे पीछे ले जाना है, ऐसे पीछे ले जाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर आपको वापस,
फिर ऐसे करना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है, जहां तक आपकी गर्दन जा रही है वहीं तक आपको करना है। और ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार शुरुआत में कर सकते हैं और दिन में दो बार आप जरूर करिए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे चिन टक एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना यह है, इस तरीके से अपना हाथ लेके इस तरीके से चिन पर रख लेना है और अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे पीछे करना है। इस तरीके से आप साइड से भी देख लीजिए, इस तरीके से आपको पीछे करना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस, फिर आपको इसी तरीके से करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको एडवांस वर्जन में लेकर के चलना है, तो आपने गर्दन को पीछे लेकर के जाना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरीके से पीछे लेकर के जाना है। तो आप देखेंगे आपकी सारी मसल में एक कॉन्ट्रेक्शन होगा और ये जितना आपके कॉन्ट्रेक्शन होगा उतना ही आपकी मसल जो है वो मजबूत होंगी। तो आपको इस तरीके से पीछे करना है और फिर इस तरीके से अपनी गर्दन को पीछे लेकर के जाना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर वापस। ये भी एक्सरसाइज आप 10 बार से शुरुआत करिएगा, धीरे धीरे नंबर आप काउंट बढ़ाते जाइए। फिर आपको करना यह है, अपने दोनों उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से फंसा लीजिएगा और अपने सर के पीछे इस तरीके से रख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा आपको ऊपर देखना है और अपने हाथ को आगे करना है और पीछे लेकर के जाना है, आगे करना है और फिर पीछे लेकर के जाना है। इस एक्सरसाइज को करने से होगा क्या, एक तो आपके शोल्डर की रेंज खुलेगी, दूसरे इसमें होता क्या है सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस में और सर्वाइकल एडिकुलोपैथी में, इसमें चेस्ट में भी पेन होता है, तो इससे आपकी जो है चेस्ट की मसल और ये जो पीछे की पीठ की मसल जो है वो खिंचेंगी। जब ये खिंचेंगी तो धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगी। हम आपको पीछे से भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से करना है, जहां तक आपका हाथ जा रहा है, जैसे यहीं तक जा रहा है तो यहीं तक करिएगा और पीछे आपको इस तरीके से ऐसे करना है। ये भी एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए शुरुआत में, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइए। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप हमसे कॉल करके बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तभी आप कॉल बुक कराइएगा, नहीं तो हमारी कई वीडियो पड़ी हुई है, आप वीडियो देखिए और उसको अच्छे से समझिए, आपको आराम जरूर मिले। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें अपने हाथ को हम इस तरीके से रख लेंगे। फिर आपको करना यह है, पंजे को आपको नीचे की तरफ करना है और गर्दन इस साइड में करना है ऐसे। फिर आपको अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा लेना है और फिर गर्दन को इस तरीके से ऐसे करना है। आप ध्यान से देखिए इस एक्सरसाइज को और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो है वो गर्दन की जो है रेंज आपकी खुलने लगी। फिर आपको करना यह है इसको नेक्स्ट लेवल में लेकर के चलना। फिर आपको करना यह है इस तरीके से अपना हाथ ऐसे दीवार पे आपको सटा करके रख लेना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, उंगली खाली रखनी है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेचिंग चाहते हैं तो पूरा हाथ अपना चिपका करके इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा। शुरुआत में आपको होगा नहीं तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको पहले उंगली इस तरीके से ऐसे रखनी है, फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे नीचे लेकर के जानी है, फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच आपको कर देना है। तो आप देखेंगे आपकी सारी मसल जो है वो खींच रही है। फिर अपना पूरा हाथ इस तरीके से सटा करके रख लेना है और आपको इस तरीके से ऐसे करना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस, फिर ऐसे जो है स्ट्रेच करना है, फिर वापस। ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके जो झंझनाहट नीचे हाथों में जा रही है और जो सुन्नपना हो रहा है वो धीरे धीरे आपका कम होने लगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है, उसमें अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे पीछे रख लेना है और अपने अंगूठे को इस तरीके से ऐसे मुट्ठी से बंद कर लेना है और इस तरीके से ऐसे पीछे लेकर के जाना है। तो आप देखिए आपकी सारी मसल जो है वो खींच रही है, आपकी चेस्ट की मसल भी खींच रही है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर वापस। फिर आपको इस तरीके से ऐसे पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग आपकी फील होगी। ये भी एक्सरसाइज आप शुरुआत में 5 से 10 बार करिएगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइए। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें आप इस तरीके से पेट के बल आपको लेट जाना है। फिर आपको करना यह है, एक गर्म थैली ले लेनी है और उसको इस तरीके से ऐसे रख लेना है और फिर अपने हाथ को इस तरीके से रख के इस तरीके से आप चाहे टीवी देख सकते हैं या आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आपको करना है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है जिन लोगों में सर्वाइकल स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होने लगती है, सीधी होने लगती है या उसमें गैप आ जाता है। ये एक्सरसाइज आप रोजाना 10 से 15 मिनट और सुबह शाम आप जरूर करिएगा, धीरे धीरे आपके सर्वाइकल स्पाइन की हेल्थ जो है वो अच्छी होने लगी। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे डीकंप्रेशन। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई दुपट्टा ले लेनी है या कोई चादर ले लेना है और अपने गर्दन में इस तरीके से ऐसे पीछे फंसा लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ को ऊपर उठा लेना है और आपको इस तरीके से ऐसे
खींचना है ऊपर की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपके सर्वाइकल स्पाइन में जो है वो एक ट्रैक्शन फील होगा, आपके जो है जो गैप का आ गया है या गैप आपका कम हो गया है उसमें धीरे धीरे डीकम्प्रेशन जो है होगा, और जो दर्द आपका नीचे की तरफ जा रहा है वो धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। तो इस तरीके से हम पीछे से भी दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। आपको यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर आपको रिलीज छोड़ देना है, फिर आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे करना है और फिर वापस छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इससे जो फोरामिना है वो आपका ओपन होने लगेगा, और ये एक्सरसाइज आप सिर्फ 5 से 10 बार शुरुआत में करिएगा और धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइए। आप किसी के अगर गर्दन में नस दब जाती है तो उसकी उंगलियों में पावर कम हो जाती है, तो इसके लिए ये फिंगर एक्सरसाइजर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हाथों की उंगलियों को पावर देने के लिए, ये ताकत को बढ़ाता है। इसमें 4 स्प्रिंग लगी होती है, आप अगर चारों से एक बार नहीं कर सकते हैं इस तरीके से तो आपको करना ये एक स्प्रिंग इस तरीके से निकाल देनी है, ऐसे ही आपको 2 स्प्रिंग निकाल देनी है और एक ही स्प्रिंग लगी रहने देनी है, फिर आप इस स्प्रिंग को दोबारा लगा सकते हैं। उसमें आपको करना यह है इस तरीके से रख लेना है और फिर आपको नीचे की तरफ धीरे धीरे लाना है, आपको लाना है और फिर यहाँ पे रोके रहना है और फिर वापस। आप जितनी बार चाहें इस फिंगर एक्सरसाइजर से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस, अगर आप इसको रोजाना करते हैं तो आपके गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ेगी और आपको काफी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको डाइट में कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे जिससे आपके सर्वाइकल स्पाइन की हेल्थ जो है वो अच्छी हो। तो इसमें क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज आपको नहीं खाना चाहिए, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।